हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। आइए देखते हैं गूगल शीट में क्या नया है। यहां पर देख सकते हैं कुछ इंग्लिश में ये शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया आई लव यू, फिर लिखा गया व्हाट्स योर नेम, फिर यहाँ कुछ और भी लिखा गया है। तो ये अगर इसे आप हिंदी में लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं, पहला सवाल। तो देखिए यहाँ पर एक आपको फंक्शन मिल जाता है गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप जैसे ही गूगल टाइप करते हैं तो दो फंक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला क्या है, गूगल फाइनेंस का है, और दूसरा है गूगल ट्रांसलेट। तो हमें गूगल ट्रांसलेट ही लगाना है। इसी पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन को, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट्रेस आ जाता है इसका, और ये दिया किसमें हुआ है, कॉमा दे दीजिए, और जिसमें दिया हुआ है उसका कोड आपको लिख देना है। जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है तो EN लिख दीजिए, ये लिख दिया। और इसको चेंज किसमें करना है, हिंदी में, तो हिंदी का कोड होता है HI, तो ये लिख करके अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। ये ध्यान दीजिएगा कि कोड सही टाइप कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये हिंदी में ट्रांसलेट करके आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसलेट करके बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ड्रैग करवा दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करवाने से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ हिंदी में आ चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अब वापस इंग्लिश करना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो आपको वही फंक्शन गूगल ट्रांसलेट लगा देना है वापस से। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ ब्रैकेट को कर लेता हूँ ओपन। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, ये दिया किसमें हुआ है, हिंदी में, तो हिंदी का कोड होता है HI, मैंने टाइप कर दिया। फिर कॉमा लगाएंगे और इंग्लिश का कोड होता है HN, तो ये EN, तो ये मैंने टाइप करके और एंटर प्रेस करा। जैसे ही प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर वही चीज दोबारा से हमें रिटर्न में मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब आप इसे उर्दू में टाइप करना चाहें तो क्या उर्दू में भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है हमारे लिए। तो चलिए ये देखते हैं कि इसको उर्दू में कैसे टाइप करेंगे। जैसे इंग्लिश को मैं उर्दू में टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे गूगल जो है ट्रांसलेट फंक्शन यूज करेंगे, तो ये गूगल ट्रांसलेट फंक्शन हमने लगाया और इस वाले को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, ये दिया हुआ है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का कोड होता है EN, डबल डॉट कॉमा में EN लिख दिया। फिर हिंदी का उर्दू का कोड होता है UR, तो इसे UR लिख दिया डबल डॉट कॉमा में, और ब्रैकेट को क्लोज करके अब बारी है एंटर प्रेस करने की। तो चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं, और देखिए ये उर्दू में लिखा हुआ आ चुका है। अब ये देखिए ये उर्दू है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने इंग्लिश में लिखा था वो उर्दू में ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है। तो उर्दू का कोड मैंने आपको बता दिया, UR होता है, और जो उर्दू जानते हैं इसको पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो मैं उर्दू बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग उर्दू जानने वाले हैं वो जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है। अब इस उर्दू को वापस से हिंदी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर वही गूगल ट्रांसलेट फंक्शन लगाएंगे। तो ये हो गया गूगल ट्रांसलेट, और गूगल ट्रांसलेट लिख करके इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, ये दिया हुआ है उर्दू में, तो UR लिखिए और कॉमा लगाइए, और फिर डबल डॉट कॉमा ओपन कर लीजिए। और डबल डॉट कॉमा ओपन करने के बाद आपको इसको किस में करना है, हिंदी में, तो HI लिखिए, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके बारी है एंटर प्रेस करने की। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर वही चीज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी बेहतरीन चीज है ये, ठीक है। और इस तरह का कोई भी अगर आप लिखते हो तो उसे ये ट्रांसलेट करके हमें दे देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहां पे कुछ भी लिखिए उसे ये ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।